तो लोकतंत्र का चरित्र और चेहरा दुनिया को स्मरण है। लोकतंत्र का महापर्व नहीं है, ये लोकतंत्र को और मानवता को खत्म करने के लिए 19वीं लोकसभा है। एक दूसरे को गाली देना, गाली के नाम पर वोट लेना, इस्तेमाल करना, उन्माद पैदा करना, नफरत की बात करना, समाज को तोड़ना, ये वोट और सियासत जो है ना, इस देश के लिए और इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए खतरा बन गया। ये लोग समाज के लिए कैंसर बनते जा रहे हैं, डूब के मर जाना चाहिए। एक आदमी इसलिए नहीं आया कि वो उसके वोट के साथ नहीं थे, एक आदमी इसलिए नहीं आया कि उस मस्त हो गए, मतलब मौत को भी बांट दिया इन लोगों ने, जाति के आधार पर और वोट के आधार पर। न्याय भी जाति धर्म के आधार पर होगी, बलात्कार का मूल्यांकन भी जाति के आधार पर होगा, मौत भी पूछा जाएगा कि किस जात का हुआ किसने किया, किस धर्म का हुआ किसने किया। ये घटना बहुत बड़ी है, हम उम्मीद करेंगे जांच हो, हम सरकार से मिलकर के मुआवजे की मांग करेंगे, हम कोशिश करेंगे इनके परिजन को किसी भी परिस्थिति में, उनकी पत्नी को आंगनबाड़ी में, यहां पर हम अभी डीएम से बात करेंगे, जरूरत होगी हम ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके परिजन को नौकरी, उसकी पत्नी को नौकरी के लिए हम खड़े होंगे। उनके सकलदेव जी की एक तस्वीर जहां पर घटना घटी है, हम एक बेहतर स्मारक बना करके उसकी तस्वीर की स्थापना करेंगे, ताकि सकलदेव से इस गांव का, इस इलाके का बच्चा उसको अपने दिल में रखे, वो सब दिन जिंदा हमारे बीच रहे, हमारे बच्चों का जिंदा की तरह जिंदा रहे। और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल की हम मांग करें, और 6 महीने के अंदर आप उसको तुरंत इस केस को ट्रायल करके आप फांसी की सजा, यही हमारी उम्मीद है। और मैं आप मुझसे इतना कह सकता हूं कि इस पॉलिटिशियन से भगवान बचाए, या पॉलिटिशियन किसके किसके घर को नासूर बनाएगा, या पॉलिटिशियन इस देश को कब बेचेगा, या पॉलिटिशियन इस देश के इंसानियत को और मानवता को अपने सियासत और सत्ता के लिए कैसे बेच के लोकतंत्र को खत्म करेगा, ये भगवान।